students, I welcome you all for the part 3rd of the same chapter. So students of class 8th, we were doing, you all know, we have completed our topic methods of mining. Methods of mining हमने आपको समझा दिए हैं कि किस तरीके से mining होती है, क्या क्या processes involve होते हैं. तो आज से जो हम लोग शुरू करेंगे वो करेंगे mineral resources के बारे में बात. कल mineral resource भी आपको बता दिया गया था, आज बात करते हैं पहले topic के बारे में जो है metallic minerals. तो metallic minerals कितनी तरह के होते हैं आपके screen के सामने इस समय जो है आप slide में देख सकते हैं. ये सारे minerals आपके सामने आ चुके हैं. I am reading one by one for the particular mineral for you. Iron, let's start with the topic which is iron. It is the most important mineral that makes up almost 5% of the earth crust. 5% earth ka jo crust hai wo iron se bana hai. This mineral is the backbone of the industry that is required to make steel. It is also used to make the machinery, tools and many other works. Sabse zyada kaam iron ka hi hota hai. We all know this very well. So equipments ki baat karein, agar transport ki baat karein ya fir different types of हाउसली प्रोडक्ट्स की बात करें तो भी आयरन का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है. बात करते हैं कॉपर के बारे में. इट इज द फर्स्ट मिनरल टू हैव बीन सीन बाय द ह्यूमन. ये पहला मिनरल था जो कि एक इंसान ने पता लगाया था उसके बारे में. मोर देन हाफ ऑफ ऑल द कॉपर माइंड इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स. इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, पॉइंट्स, टूल्स एंड यूटेंसिल. मेनली जो कॉपर का काम है वो है वायर्स का. जो इंटरनल आपने देखा होगा अगर कभी वायर को खोल के, तो एक येलोइश, एक गोल्डन कलर की इंटरनल वायर होती है, तो वो कॉपर से बनी होती है. दैट इज द मेन वर्क ऑफ कॉपर. सो बॉक्साइट की बात करते हैं. इट इज द ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड एंड यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन्स, मशीनरी, टूल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स, वायर. As it is cheaper and more easily available than copper. Copper से cheap होता है bauxite, ore होता है जिससे कि aluminium बनता है. अब ore का मतलब आपको हम बताते हैं, rock material which from which minerals of sufficient value and quantity can be obtained. मतलब ऐसा एक आप कह सकते हो एक collection जहाँ से आप aluminium को extract कर सकते हो, और थोड़ा cheaper भी होता है copper से, जिससे कि इसका use भी आ जाता है wires वगैरह में. Let's start about the topic which is lead. It is used to make pipes and rods. Mainly जो काम होता है lead का वो pipes और road में काम में, rods में काम में आता है. Let's read about zinc. It is used as to galvanize steel, manufacture paint tubes, dry batteries, make brass, and it is usually found together with the lead in deposits. अब galvanize करने में काम में आता है zinc. Galvanize अगर आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा science में, तो science के topic में आपने जरूर सुना होगा galvanization. Galvanization is the process to coat iron with a coating of zinc जिससे कि उसमें जंग न लगे. तो जंग से बचाने के लिए जो जंग लगता है उससे बचाने के लिए गैल्वनाइजेशन होती है, और गैल्वनाइजेशन में जिंक की कोटिंग चढ़ती है, तो जिंक मेनली उस काम में भी यूज होता है. बात कर लेते हैं यूरेनियम की. इट इज अ रेडियो एक्टिव मिनरल यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर टू प्रोपेल द स्पेसशिप्स. बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है यूरेनियम का. कि यूरेनियम हालांकि इसमें मेंशन नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट यूरेनियम. यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मिनरल होता है जो कि बहुत ज्यादा वर्क होता है न्यूक्लियर पावर में, और ये एक थ्रस्ट देता है स्पेसशिप्स को लिफ्ट करने के लिए, बॉम्ब्स, मिसाइल्स को लिफ्ट करने के लिए. एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन पर्पसेस. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिनरल विच इज गोल्ड. गोल्ड तो बड़ा ही कॉमन है, आप लोग सब जानते होंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में. So it is used to make ornaments. It is used in the different sort of industries. Small quantity of it are used in chemical and some other industries. कुछ ना कुछ ऐसे काम भी होते हैं गोल्ड के, क्योंकि industries based work होते हैं, और हालांकि बहुत महंगा होता है, costly होता है, और उससे थोड़ा सा हल्का होता है सिल्वर. इट इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज, सिल्वरवेयर, कॉइन्स, बैटरीज, मिरर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस.
बात कर लेते हैं प्लैटिनम के बारे में. इट इज यूज टू मेक ज्वेलरीज, कॉइंस, मेडिकल एपरेटस, ड्रग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. लास्ट मेटालिक मिनरल दे रखा है मैग्नीज. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर एंड ऑल्सो नोड्यूलर सेडिमेंट डिपॉजिट ऑन द सी फ्लोर. दिस मिनरल इज मेनली यूज्ड एज फेरोलॉय इन मेकिंग स्टील टाइल्स, ब्रिक्स, ब्लीचिंग पाउडर, बैटरीज एंड ऑल्सो इन द ग्लास मेकिंग एंड कलरिंग पॉटरी. सो फेरोलॉय जो होता है एंड अलॉय ऑफ आयरन एंड सम अदर एलिमेंट्स, मतलब मेटालिक भी हो सकता है. ऐसा एक अलॉय आप कह सकते हो, ऐसा एक आयरन पार्ट हो सकता है जो कि मिक्सचर कहलाता है, या तो कंप्लीटली मेटल होगा या तो नॉन मेटेलिक पार्ट में होगा. सो इट इज मेनली यूज इन द ग्लास मेकिंग फैक्ट्रीज एंड कलरिंग पॉटरीज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेटेलिक मिनरल्स. अब थोड़ी सी बात नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में भी कर लेते हैं. सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर द कॉमन नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर क्ले हो गया, डायमंड है, डोलमाइट है, जिप्सम है, सल्फर है, मिक्का है, एंड क्वार्ट्ज है, क्रोमियम है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है. तो ये सारे जो आएंगे वो कैटेगरी आएगी नॉन मेटालिक मिनरल्स में, मतलब ऐसे मिनरल्स जो कि मेटालिक फॉर्म में नहीं है और हमारे अर्थ में, अर्थ के क्रस्ट में या फिर अंदर दबे हुए मिल जाते हैं. सो डायमंड हम लोग सब जानते हैं, डायमंड जो है वो मेटालिक नहीं है, बट आपका नॉन मेटालिक मिनरल कहलाता है, जो कि ज्वेलरीज है और कटिंग टूल्स वगैरह में काम आता है, एब्रेसिव कटिंग टूल्स जो होते हैं उसमें काम आता है. सो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो टॉपिक्स है हमारे, अब पावर रिसोर्सेज का टॉपिक शुरू होगा. आई विल एक्सप्लेन यू पावर रिसोर्सेज, व्हाट इज ऑल अबाउट पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं. बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.